मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर बुक्स नहीं आई। तो इस बार जो बाढ़ आई थी महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से बुक्स पहुँचाने में यूनिवर्सिटी को तकलीफ़ हो रही है, प्रिंटिंग में भी कुछ चैलेंज आया था, और 6 से 7 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, जिसमें कि लगभग 40-50 हज़ार बच्चे अपने सीनियर से, लगभग 1 लाख तक के बच्चे अपने सीनियर से बुक लेकर के एडजस्ट करते हैं या पुरानी बुक से पढ़ते हैं। अब प्रश्न आती है, आपको बुक नहीं मिला, बहुत सारे बच्चों को बुक मिल गई है, लगभग 50% बच्चों को। जिनको नहीं मिली है, इसी वीडियो को डिटेल में एक लिंक दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पर्सन से उनसे मिलिए, यूनिवर्सिटी में उनको बताइए कि मेरी बुक्स अभी तक नहीं आई है। और अब प्रश्न रहा, जिनको बुक नहीं मिली है वो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके तब तक पढ़ें, या अपने मित्र से बुक्स लेकर, जैसे कोई दूसरी बुक पढ़ रहा है आप उसकी दूसरी बुक लेकर के पढ़ें, या अपने किसी सीनियर से ले लें। साथ ही आप सॉफ्ट कॉपी का सहारा लीजिए और बुक पढ़ना शुरू करें। सॉफ्ट कॉपी की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिटेल सेक्शन में दे देता हूँ, वहाँ जस्ट क्लिक करके आपको बुक्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कैसे पढ़ें। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी बुक हो, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िए, फिर आप जानते हैं ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में इंडेक्स जो होता है, जिसमें जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनको समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन हो गया, टू थिंग्स। थर्ड इज समरी, उस चैप्टर की समरी आप अवश्य पढ़ें। और पांचवा जो है, वर्ड्स एंड मीनिंग्स दी होती है वो पढ़ लीजिए। इन सब के होने के बाद चैप्टर पर एक नज़र ज़रूर रखिए। 6 से 10 चैप्टर लगभग होते हैं एक बुक में, और आप अगर उसमें एक चैप्टर पर आधा घंटा एक घंटा भी देते हैं, तो 6 से 10 घंटे में, अर्थात एक दिन में, मैं 12 घंटे अगर आप सोते हैं, रात्रि के समय निकाल देते हैं, दिन में अगर आप अभी भी पढ़ाई करना चाहते हैं, मई में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 6 महीने हैं, 24 संडे मिलते हैं, 24 × 10 240 घंटे मिलेंगे आपको, आराम से आप अपने 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए 10 दिन लगता है, और आपके पास कितने महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 6 महीने हैं, 5 महीने पकड़ता हूँ, 5 महीने में 4 संडे आते, 20 संडे हो गया, 20 संडे में अगर 10 घंटे मैं लेता हूँ तो 200 घंटे आपके पास हो रहा है। 200 घंटे में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, केवल ऐसे रिवाइज करिए, बाकी संडे को आपका लेक्चर चलता ही है। वीक मैं बोल रहा हूँ, एक वीक में, 2 वीक में मैं 2 दिन पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, 15 दिन में 2 दिन पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं बता दीजिए। प्लीज़ रीड, प्लीज़ रिवाइज। नहीं आता समझ में, मुझे कमेंट करके पूछो, अपनी टीचर से कमेंट करके पूछो, जो प्राइवेट ट्यूशन जहाँ से लेते हैं आप वहाँ से पूछिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। आर यू सीरियस अबाउट योर स्टडी? इफ़ येस प्लीज़ स्टडी, इफ़ नो देन आई कैन नॉट हेल्प, नो बडी कैन हेल्प यू। आप सीरियस हैं तो पढ़ाई करिए, नहीं तो केवल पास होना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो पास तो हो ही जाएंगे जितना नॉलेज है आपके पास। तो एक रिक्वेस्ट है, बुक्स की सॉफ्ट कॉपी लीजिए, बुक्स आएगी यूनिवर्सिटी 100% आएगी। कॉलेज स्टडी सेंटर जरूर जाइए, विजिट करते रहिए, मिलिए उनसे, बुक्स लीजिए। ATKT का एग्ज़ाम 17 तारीख से चालू है, कुछ कोर्सेस की ATKT की डेट्स भी शिफ्ट हो रही हैं, कुछ कोर्स की, मेजर कोर्सेस की नहीं, उसकी भी डिटेल्स की वीडियो में देता रहा हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मई का एग्ज़ाम कब होगा, अप्रैल का एग्ज़ाम कब होगा? तो उसके लिए मैं हूँ, मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ अपडेट्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें उसकी भी डिटेल मैंने वीडियो में दे रखी है, आप डिटेल सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज हमने कवर किया बुक्स कैसे डाउनलोड करें, बुक्स कैसे पढ़ें, और एग्ज़ाम में कैसे लिखें। भाई एग्ज़ाम में बड़े अक्षरों में, शुद्ध साफ अक्षरों में लिखिए, और ऐसा लिखिए कि एग्ज़ामिनर को पढ़ने आ जाए, समझ आए। समझो अगर आप एग्ज़ामिनर होते तो कैसा एक्सपेक्ट करते कि स्टूडेंट कैसा आंसर लिखता है। अगला प्रश्न आता है कि एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे आए, कैसे लिखें, कैसे पढ़ें। सब बच्चे पूछते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, चार चार क्वेश्चन, 5 पूछे जाते हैं, 4 लिखने रहते हैं, 20 20 मार्क के, 20 × 84 चार क्वेश्चन होते हैं, 20 20 मार्क के लिखने होते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक प्रश्न को आप एक पेज में लिखिए, ज़रूरत पड़ी अगर एक्सप्लेन बोला है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो 1.5 पेज तक जा सकते हैं, उसके ऊपर मत जाइए, और जहाँ खत्म होता है वहीं दूसरा क्वेश्चन शुरू करिए, क्योंकि आपके पास पेजेस की संख्या लिमिटेड होती है, आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, सप्लीमेंट्री में टाइम कॉस्ट सब कुछ इन्वॉल्व है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने कहा सप्लीमेंट्री हटाओ, जब एक ही, इसीलिए तो उसने पेपर पैटर्न बदल दिया, यूनिवर्सिटी ने पेपर पैटर्न इसलिए बदला कि आपका
ये जो टाइम और कॉस्ट जाता है सप्लीमेंट्री लेने देने में, उससे बचत हो जाए, और कहीं सप्लीमेंट्री छूट गई गिर गई तो उसके लिए अगेन स्टूडेंट को तकलीफ होगी। तो इसलिए भाई कम से कम एक पेज लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ पेज, लेकिन हर प्रश्न डेढ़ पेज मत लिखिए अगर ज़रूरत नहीं है तो। जैसे पूछा है डेफिनेशन दीजिए इस चीज़ का और इसके पाँच कारण बताइए या पाँच एक्सप्लेन करिए टाइप्स, तो पाँच टाइप्स एक्सप्लेन करने में आप दो पन्ना मत भरिए, पाँच टाइप्स लिखिए और पाँच टाइप के बाद दो दो लाइन तीन तीन लाइन लिखिए, क्योंकि पाँच नंबर के ऊपर पूछ ही नहीं रहा है ना एग्जामिनर, आप क्यों ज़बरदस्ती लिख रहे हैं। सुंदर राइटिंग लिखिए। होम असाइनमेंट की अब मैं बात करता हूँ। होम असाइनमेंट आपका दिसंबर में आ जाता है और जिसको आपको जनवरी एंड तक भरना होता है, मैक्स फरवरी तक। तो दिसंबर जनवरी तक आपको असाइनमेंट कंप्लीट कर देना, जब आएगा तो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगी। मेरा चैनल आप लाइक सब्सक्राइब कर ही रखें, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरा चैनल तो रोज़ देखते हैं, मुझे यूट्यूब ने रिपोर्ट भेजा है, हर महीने मुझे रिपोर्ट आती है कि सर आपके चैनल की, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल आपका चैनल विजिट करके चले जाते हैं, वीडियो देखते हैं लगातार डेली, लेकिन वो आपके सब्सक्राइबर नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको सारी जानकारी देते रहूँ। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि होम असाइनमेंट हो, कैसे लिखना है, एग्ज़ाम कब है, इंपॉर्टेंट नोट्स। बच्चे अपना एटीकेटी का फॉर्म भरना भूल जाते हैं, एग्ज़ाम का डेट्स भूल जाते हैं। आपको पता होगा मेरे चैनल पे एग्ज़ाम के पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्लोट करता हूँ जिसमें 70 से 80% मार्क्स फंस जाते हैं। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम एटीकेटी के भी मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो पुराने पेपर रिवाइज़ करने हैं, तो मेरा चैनल का एक एक वीडियो विजिट करिए। मेरे नाम पर क्लिक करेंगे, मेरा चैनल जो लिखा है ब्रजेश पांडे, उसके अंदर जितनी वीडियोज़ हैं एक एक वीडियो क्लिक करिए, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए अगर आपको कुछ कमाना है, कुछ पाना है, कुछ लाना है। मैं तो जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। आप कमेंट करना ना भूलिए, हम जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एग्ज़ाम शुभ हो, जय श्री राम।